अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैंने पिछले चंद महीनों पूरा पाकिस्तान का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इंतखाबी मुहिम है पाकिस्तान भर में चला रहा था, पख्तूनख्वा के पहाड़ों से लेके पंजाब के वादियों से सिंध के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए ये काफिला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चारों सूबों में हमने इलेक्शन मुहिम चलाए और हम पाकिस्तान के अवाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया, मेरे साथ दिया और एक बार फिर साबित कर लिया है कि चारों सूबों की जंजीर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब इलेक्शन में मुझे मौका नहीं मिला कि मैं अपने थट्टों के अवाम से आपके पास आके कोई जलसा करूं, तो इसलिए अब इलेक्शन जीतने के बाद हमने ये फैसला किया कि हम थट्टा में जश्न मनाएंगे। साथियों, मैं ये इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहा था कि मैंने, मेरा कोई जिद था कि मैंने उस कुर्सी पे, इस्लामाबाद का कुर्सी पे बैठना है। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ा तो आपके लिए लड़ा, मेरे भाइयों के लिए, मेरे बहनों के लिए, और वो इसलिए कि पाकिस्तान में एक मुआशी बहरान है, एक जमहूरी, एक सियासी बहरान है और हमारे पूरे मुआशरे को तकसीम किया गया है। तो मैं इसलिए लड़ रहा था कोई ऐसा जमात हो, कोई ऐसा सियासतदान हो जो अपने मसले पे नहीं बात करते मगर पाकिस्तान के अवाम का मसाइल के बारे में बात करे। मैं इसलिए इलेक्शन में लड़ रहा था और जगह जगह जाके इसी बात पे जोर देता था कि पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत तारीखी सतह पे पहुंच चुका है, तारीखी सतह पे, और होना ये चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, तमाम सियासी जमातें अपनी जाती मुफादात के बजाय पाकिस्तान के अवाम का मुफाद के बारे में सोचे। अफसोस की बात यह है कि बाकी सियासतदान मुझसे उम्र में तो बड़े हैं मगर वो अपने लिए सोचते हैं, आपके बारे में नहीं सोचते। और नुकसान इसका मुझे नहीं हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान के वफाक को हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान के चारों सूबों के हो रहा है और सबसे भरकर इसका नुकसान पाकिस्तान के गरीब अवाम को हो रहा है। साथियों,
कनेक्शन तो कुछ ऐसे निकले हैं कि तमाम सियासी जमातें एहतजाज कर रहे हैं, तमाम सियासी जमातें जीते या हारे हुए एहतजाज कर रहे हैं। अब इस माहौल में पाकिस्तान कैसे चलेगा? ये माहौल रहा तो पाकिस्तान को मुआशी बहरान से कौन निकालेगा? मेरे थट्टों के अवाम को रोजगार कौन दिलवाएगा? ये मेरा ख्याल में तीन किस्म के सियासी जमातें हैं। एक वो जो धांधली की वजह से जीतते हैं, और आज से नहीं आप तो मेरे गवाह हो, आपको मालूम हो, कुछ ऐसे शक्लें हैं पाकिस्तान की सियासत में जो धांधली के बगैर नहीं जीत सकते, वो भी आजकल एहतजाज कर रहे हैं। कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो धांधली के बजाय फिर भी नहीं जीत सकते, वो आप पहचानते हैं उनको, वो भी आजकल एहतजाज कर रहे हैं कि धांधली हुआ मगर ना काफी था, और कर देते, मेरे भी सीट दे देते। और तीसरी वो जो धांधली के बावजूद जीत जाते हैं, वो आप हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं। आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है धांधली का और फॉर्म 45 का। अब मेरे पास ऐसे भी फॉर्म 45 हैं जहां मेरा फॉर्म 45 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत चुका है, मगर ऐलान तो कई मुस्लिम लीग नवाज का हुआ है, तो कई मुतहदा कौमी मूवमेंट का ऐलान हुआ है। हाथ में मेरे पास वो फॉर्म 45 है जहां आप जीते हो। एक ऐसा जगह है जहां फॉर्म 45 में मेरा जियाला जीत चुका है, मगर एंड में आखिर खान साहब की आजाद उम्मीदवार को जितवाया गया है। अब इस पे मैं क्या करूं? मैं इस मुल्क को मजीद तकसीम कर लूं? मैं अपना ही घर को आग लगा दूं कि मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है? तो मैं एहतजाज करता हूं, मैं सर तोड़ता हूं, मैं पता नहीं क्या क्या। इसका नुकसान अगर मैं ये फैसला लेता तो नुकसान वफाक का, नुकसान जमहूरियत का, और सबसे भरकर नुकसान आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि मुल्क भर में जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के टिकट होल्डर्स के शिकायतें हैं, हम वो शिकायतें जमा कर रहे हैं, और फिर उन शिकायत को जमा करके हम अप्रोप्रिएट फोरम्स पे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो आला अदलिया हो, और चाहे वो पार्लियामान का कोई पार्लियामानी कमेटी हो, हम अप्रोप्रिएट फोरम्स के जो सिस्टम के जमहूरी निजाम में जो फोरम्स है उसके सामने अपनी शिकायतें पेश करेंगे। अगर वहां से हम नाकाम रहे, वहां हमारा जो बात है वो समझा नहीं जाता, फिर मैं आपके पास आ सकता हूं और कह सकता हूं कि चले हम एहतजाज करें। आप
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि मुझे इस इलेक्शन रिजल्ट्स के मुताबिक वो हक नहीं है कि मैं अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नामजद करूं। तो हमने ये फैसला किया है कि जब हमें ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जल रहा है, चारे सूबों में इस वक्त एक आग लगा हुआ है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि हमने उस आग को बचाना है। हमने एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा उठाना है, खप्पे खप्पे पाकिस्तान खप्पे। हम ना कोई वफाकी वजारत चाहते हैं, ना वजीर आजम का कुर्सी चाहते हैं। हम इतना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल कर सके। हम चाहते हैं कि जो सुबह सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन हैं, उनको हमें हक उनको उनका हक दिलवाना पड़ेगा। उनको जो पिछले चंद महीनों से, चाहे वो हमारे सिंध के सैलाब मुतासरीन हो या बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन हो, वो लावारिस है, उनका घर टूटे हुए हैं, उनका नुकसान हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला अगर किसी को वजीर आजम का वोट हमने देना है तो उनसे हम बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए उनका हक दिलवाएंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी मैं सुबह पंजाब में भी तकरीबन तमाम सीटों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयालों ने इलेक्शन लड़ा है। सुबह पख्तूनख्वा में भी तमाम सीटों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा है। अब मैं 18 महीने हमने मियां साहब के साथ हुकूमत किया, तो उस दौरान मैं अपना पंजाब का कारकुन को, पख्तूनख्वा का कारकुन को वो तहफुज नहीं दिलवा सका जो उनका हक है जब उनका हुकूमत बना हुआ है। जो हमसे वादे किए गए थे तरक्याती मंसूबे के बारे में, वो पूरा ना हो सके। तो इस बार अगर किसी ने हमसे वोट लेना है तो मैं इतना ही कहूंगा, मैं कोई अपने लिए वजारत उज़्मा मांग नहीं रहा हूं, मैं अपने लोगों के लिए वजारतें नहीं मांग रहा हूं, मैं आपके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान के अवाम के लिए काम मांग रहे हैं। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। नहीं 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 नहीं, मैंने तो कहा है और मैं अब आपको बता रहा हूं, मैंने इस बात को मना किया है। मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूं। अगर मैं वजीर आजम बनूंगा तो थट्टों के अवाम, पाकिस्तान के अवाम मुझे मुंतखब करके बनाएंगे। हम अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए काम करेंगे। और हम जो भी हुकूमत बनता है, मैं आपका नुमाइंदा बन के, आपका आवाज बन के कौमी असेंबली में बैठूंगा और किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि आपसे नाइंसाफी करे। और साथ साथ अगर वो वजीर आजम का कोई अच्छा काम होगा तो मैं सबको कहूंगा, आपको भी कहूंगा कि ये जो काम चल रहा है इसका आवाम का फायदा है,
तो इसका भी मैं तारीफ करूंगा। पाकिस्तान को अब जाने की वक्त आ गया है। आप सबको याद है कि 1977 में क्या हुआ। पहले धांधली का शोर उठा, आपको याद है 1977 में कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इलेक्शन जीता तो झूठा धांधली का इल्जाम लगा। 9 सितारे याद है आपको, 9 सितारे थे उस वक्त, वो भी मुहिम बड़े चलाते थे और उन्होंने जब वो मुहिम चलाया तो पूरा जमहूरियत का निजाम खत्म हुआ और 10 साल से ज्यादा हमें उस आमिर जिया जैसे आमरियत को भुगतना पड़ा। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो समझते हैं कि वो जीतते तो सिर्फ आमरियत के दौर में जीतते, तो आज भी जब वो बातें करते हैं दानली का जिक्र करते हैं तो उनका मुतालबा, असल मुतालबा ये है कि एक बार फिर इस मुल्क में एक आमरियत जैसा निजाम कायम किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो आपकी दुआओं की वजह से, आपकी साथ की वजह से इंशाल्लाह ताला तमाम ऐसे साजिशों को नाकाम करवाएंगे। मैं तमाम सियासी कुव्वतों को, सियासी जमातों को अपील करता हूं कि आए आप अपने लिए नहीं सोचे, आप पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान के अवाम की सोचे। हम इस सिस्टम में, इस जमहूरी निजाम में रह के इसकी बेहतरी का बंदोबस्त कर सकते हैं, मगर अगर इस तरीका से हमने चलना है आगे और मुआशरे में इसी किस्म की नफरत और तकसीम की सियासत फैलता रहेगा, अगर कोई कोशिश करेगा कि आपको मजहब पे तकसीम किया जाए तो कोई और कोशिश करेगा कि आपको लिसानी बुनियादों पे तकसीम किया जाए, कोई और कोशिश करेगा कि फिरका बुराना बुनियादों पे आपको तकसीम किया जाए, तो इस तरीके से हमारा वफाक को खतरा है। और आप सब ने मुझे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने मुझसे ये वादा करना है, ये वादा करना है कि अगर हमारा वफाक खतरा में है, अगर हमारा जमहूरियत खतरा में आ जाता है और मैं कॉल देता हूं तो आपने वैसे ही निकलना है, वैसा ही निकलना है जैसे आपने कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में निकला था। आपने वैसे ही निकलना है जैसे आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में निकले, ताकि हम तमाम साजिशें को नाकाम करवा सके। अगर आप मेरे साथ हो, हम मिलके मेहनत करते हैं, हम मिलके जिद्दोजहद करते हैं तो इंशाल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हमारा जमहूरियत हमारा वफाक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो आजकल इल्जामात लगा रहे हैं, मैं उनको कहता हूं कि मैंने भी शिकायतें हैं, आए अप्रोप्रिएट फोरम पे, आए हमारे साथ बातचीत करके इन शिकायतें को दूर करें, मगर ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपनी सियासत, आप अपना सियासत झूठ पे करें, ये मुमकिन ही नहीं है। एक तो इस इलेक्शन कैंपेन में सिंध भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे हमले हुए, मेरे कारकुन शहीद हुए और इसके बावजूद धांधली के इल्जामात
हमें मालूम है कि आपने कोशिश किया, हमें मालूम है कि आपने कैसे कोशिश किया। मैंने तो इलेक्शन के दौरान कहा था कि मुझे मालूम है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तब भी कहा था कि आपकी तमाम कोशिश नाकाम होंगे। आपकी कोशिश नाकाम होने के बावजूद झूठे इल्जाम तराशी और बिल्कुल हकायक पे मबनी जो नहीं है वो बातें करना, जैसे कोई शख्स है, कोई साहब है, वो कहता है कि लड़काना में वो जीता है, मैं नहीं जीता हूं, और मैंने धांधली करके अपना शिकस्त को जीत में तब्दील किया है। अब कोई उस साहब से पूछे कि कौन सा पोलिंग स्टेशन पे आपका शिकायत है। इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को इन राइटिंग अपने शिकायत भेजे। कोई और सियासी जमात जो हमारे मुकाबला कर रहे थे उनका कोई शिकायत नहीं था, इन्होंने इलेक्शन डे पे शिकायत नहीं की, इलेक्शन मुकम्मल होने पे शिकायत नहीं की। 3-4 दिन बाद इनको याद आता है कि धांधली हुआ है, ये किस किस्म का मजाक है। जिस साहब का मैं जिक्र कर रहा हूं उसका वालिद साहब को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शिकस्त दिलवाती थी, मैंने अब दो दफा शिकस्त दिलवाए हैं, 1,00,000 से ज्यादा लीड है, ये किस किस्म का मजाक है। एक तरफ अपने आप को मौलाना कहते हैं, अपने आप को मौलाना कह के फिर इतना ढिठाई से झूठ बोलना मजाक है। दूसरा पीर साहब है, अब ये पीर साहब कह रहा है कि धांधली हुआ, आप मुझे बताएं कहां धांधली हुआ। पीर साहब मैं तो आपके इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं, मगर हकायक ये है कि आपको हमने अब 2-3 बार शिकस्त दिलवाए थे, दिलवाया है। इससे पहले आपका वालिद को, मेरा वालिद और वालदा शिकस्त दिलवाते थे। आप बताएं एक इलेक्शन का नाम लो जो सूबा सिंध में ये पीर जो है, एक इलेक्शन का नाम लो जो ये जीते हैं। 2002 से शुरू करते हैं, 2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती, मुशर्रफ का दौर था, आमर बैठा हुआ था, उसके बावजूद आप जीते, फिर इन्होंने जोर जबरदस्ती आपको हुकूमत नहीं बनाने दी। 2008 में इनके लिए धांधली किया गया, उनको धांधली के जरिए सीट दिलवाए गए, मगर फिर भी आप जीते। 2013 में इनको लॉन्च किया गया, तब भी उन्होंने पूरा कोशिश की धांधली करने का, वो ना कर सके, वो हारे। 2018 किसी को याद है कि 2018 में किस तरीके से उनको मदद करने की कोशिश किया गया, 2018 में भी वो शिकस्त, और आज उसके दरमियान में बल्दियाती इलेक्शंस में उनको शिकस्त, बाय इलेक्शंस को उनको शिकस्त। इलेक्शन के दौरान वो कैंपेन करने नहीं निकले, फिर भी उनको शिकस्त, और अब वो कहते हैं कि वो धांधली करके उनको हरवाया गया। अगर उनके पास सबूत है वो सबूत लेकर आओ, आपके पास फॉर्म 45 है, पीर साहब के पास है, मौलाना साहब के पास है,
तो हम धांधली में यकीन नहीं रखते हैं। आप लेकर आए वो फॉर्म 45, आप साबित करते हो तो आओ साबित करो, मैं अगला दिन आपका मुकाबला करता हूं बाय इलेक्शन में, देखते हैं कैसे आप जीतते हो। वैसे मैंने दो सीटें निकाले, वो दो सीट निकाले तो एक को छोड़ना पड़ेगा। जब एक छोड़ता हूं छह महीनों बाद बाय इलेक्शन होगा, तो मैं जो शिकायत कर रहे हैं, चाहे वो पीर साहब हो या मौलाना साहब हो, कि एक सीट तो मैं छोड़ रहा हूं ना, तो आए फिर वो छोड़ा हुआ सीट पे मुकाबला करते हैं, देखते हैं कि आपका औकात क्या है। समझते हैं कि इलेक्शन जीत सकते हैं, कोई उनको समझाए कि इलेक्शन करना, इलेक्शन जीतना और जलसा करवाने में बहुत बड़ा फर्क है भाई, बहुत बड़ा फर्क है। एक तो इन जलसे में सबसे ज्यादा इनके जलसे में मदरसा के जो बच्चे हैं वो पहुंचते हैं, वो मदरसे के बच्चे देख के वो समझते हैं कि वो पूरा सिंध को फतह कर देंगे, वो पूरा पाकिस्तान को फतह कर देंगे। इलेक्शन डे जब आता है उनको फिर अंदाजा होता है कि इन बच्चों के पास तो वोट ही नहीं है। दूसरी तरफ जो पीर साहब है, जो नस्लों से हमें इलेक्शंस हार रहे हैं, वो भी कभी कभार दीदार करवाता है तो उनके मुरीदे निकलते तो जरूर है, और वो भी इस गलतफहमी में होते हैं कि मेरे इतने सारे मुरीद हैं कि ऐसे ही मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। वो ही बात कि ये बात तो वो भूल जाते हैं, कल भी अगर पीर साहब उस जलसा में ना पीर जो ना मीर जो का नारा लगा देते हैं, लगाता जरा, तो वोट सिर्फ तीर जो, वोट बेनजीर जो का जवाब उनको मिलता। अब ये कहते हैं कि उनको कहा गया कि पीपी से इत्तेहाद करो। अब पता नहीं उनको किसने बताया, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किसने मुझे बताया कि पीर साहब की जमात से इत्तेहाद करो। पीर साहब का अपना भाई सदरुद्दीन शाह साहब ने मुझे कहा, खान साहब वजीर आजम था, मैं किसी के घर गया था उनका इयादत करना, वहां ये पीर साहब का भाई मौजूद था और वो कहता है मुझे कि आप, हम तो अभी आपके खिलाफ हो, एंड में आपके साथ हो जाएंगे। ये क्या मतलब एंड में आपके साथ? इसका मतलब ये था कि इलेक्शन से पहले मुला जो है वो हर डिवीजन में एक सीट का मुतालबा कर रहा था और पीर साहब जो है वो 10 सीटें का मुतालबा कर रहा था। अब मेरे जियाले जीत चुके हैं, मैं कहां से ढूंढ के ये सीट इनको दिलवा दूं? मना किया, मुकाबला किया, शिकस्त दिलवाया और वो रोना रो रहे हैं, मेरे लोग शहीद हुए। कराची से अब्दुल रहमान पाकिस्तान न्यू कराची में एक बच्चा को शहीद किया गया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में शिराजवान को शहीद किया गया, खैरपुर सांगर में अब्दुल मलक मरी को शहीद किया गया, मीरपुर खास में रजा खोसो को शहीद किया गया। एक आपने देखा जिस तरीके से मेरा उम्मीदवार पे
इलेक्शन से पहले इन्होंने गोलियां चलाए। मोरो में मेरा कारकुन जिसका नाम बिलावल जरदारी था उसको शहीद किया गया। हमारे उम्मीदवारों पे हमले हुए बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में मुस्तुंग में बम का हमला हुआ, तुर्बत में ग्रेनेड का हमला हुआ, बोलान में ग्रेनेड का हमला हुआ, क्वेटा में ग्रेनेड का हमला हुआ, खुजदार में ग्रेनेड का हमला हुआ। हमला हम पे होते हैं, दानली हमारे खिलाफ किया जाता है और फिर ये लोग झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं। बाकी पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, मगर जो सिंध हुकूमत बनने जा रहा है ना, वो फॉर्म 45 पे खड़ा हुआ हुकूमत है, वो धानली के बावजूद हुकूमत बनने जा रहा है। अब अगर ये लोग पाकिस्तान से सच्चे हैं तो आए इस निजाम की बेहतरी के लिए। आपको याद है हमने कितना उस खान को समझाने की कोशिश किया, कितने समझाने की कोशिश किया कि जमहूरियत को मजबूत करो, पार्लियामेंट में आके अपना किरदार अदा करो। वो नहीं करता था। आज भी उनका जमात इतना गैर संजीदा है कि वो कहते हैं कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं, वो कहते हैं कि इलेक्शन वो जीत चुके हैं। जितना उनका सीट्स है उनको वो पूरा तरीके से उनको वो सीट्स दिलवा दे, फिर भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर हुकूमत नहीं बना सकते। अब हमने फैसला किया है कि जो हमारे पास आए हैं, हमारे वोट मांगे हैं, हम उनके साथ इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। उनसे कोई वजारतें नहीं लेंगे, उनसे अपना कोई फायदा नहीं, आपका फायदा, अवाम का फायदा, हमारा जो अपने बुनियादी इश्यूज हैं उन पे बात होगा। और इंशाल्लाह ताला हम इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान में जमहूरियत बचे, हमारा वफाक बचे, ये जो पूरे पाकिस्तान में ये आग फैल रहा है इसको बचाने के लिए हमने फैसला किया है कि आसिफ अली जरदारी साहब को सदर की जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें हमारा उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। और इंशाल्लाह ताला जब सदर जरदारी अपना ओहदा संभालता है तो वो इस आग को बुझा देगा, वो वफाक को बुझा देगा, वफाक को बचा देगा और आप सबका चारों सूबों का ख्याल रखेगा। एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो का शुक्रगुजार हूं। अब जो आने वाले हुकूमत है, जो आने वाले हुकूमत अब बनने जा रहा है खासतौर पे सिंध में, इस हुकूमत में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम हुकूमत चलाएगी, जो मेहनत करते हैं अपने खून पसीने के, इनके लिए वोट दिलवाते हो आप। अब आप अपने फैसले करो, आप जो भी फैसला आपका है। बजट पढ़ने से पहले मैं पूरा सिंध का कैबिनेट को कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज जाए, थटा के फैसले करने से पहले थटा के आवाम से पूछे कि वो क्या स्कीम्स चाहते हैं, वो क्या काम चाहते हैं, ये खुद अपने मुस्तकबिल के फैसले करेंगे। इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से हम सिंध भर में मिलके हुकूमत संभालेंगे।
मिलके इस सूबे के आवाम का काम करेंगे। जिए भुट्टो, सदा जिए।